हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, आज हम आ चुके हैं दशहरा मेला घूमने के लिए और आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ का मेला कैसा लगता है और आगे देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ देखिए प्रसादी दिया जा रहा है सभी को और यहाँ देखिए भीड़ में लोग सभी खड़े हैं। यहाँ फोटो इधर में देखिए, यहाँ सब कुछ इस तरह से सजाया गया है और ये यहाँ पे देखिए प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद ले लो, हम तो ले लीजिए। तो देखिए माता का, अगर आप लोगों की ये मूर्ति पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे तो मन का कोई रूप नहीं होता है। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर इधर काफी भीड़ है उस साइड और आगे से थोड़ा सा देखो मैं कहता हूँ। ये जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कुछ डोनेशन बोल रहे हैं। हाँ, मतलब कि डोनेशन भी बोल रहे हैं कि अगर अपना स्वेच्छा है जिनको तो अपने मन से डोनेट कर सकते हैं। तो सभी पर्सनली, कोई सरकारी मेला नहीं है, तो ये सभी बंगाली समाज का आदमी इस जगह चसार लॉज में रहते हैं। तो इन लोग सभी लोग मिल करके अपना चंदा उगा करके और बिठाए। और ये देखिए यहाँ कलाकारी हो रहा है। अपने गांव में तो अगर कहीं पे फील्ड पे लगाएगा तो कहीं भाड़ा भी नहीं लगता है, रेंट भी नहीं लगता है। यहाँ क्या यहाँ पे ये बच्चा अपना हाथ पे जो है ये करा रहा है, पेंट का दुर्गा माँ का बना रहा है, इमेज बना रहा है। और यहाँ देखिए छोटा सा कपड़ा का स्टॉल भी लगा है। सभी बंगाली हैं क्या यहाँ पे? सभी बंगाली हैं। अभी दर्शन यहाँ पे देखने आए हैं लगभग 90% सब लोग बंगाली समाज का। अच्छा, इसीलिए सभी कोई अलग भाषा बोल रहा है ना, हमको समझ में नहीं। सभी बंगाली इसमें मिलेगा, हिंदी वाला भी मिलेगा, बहुत कम कम। बाकी यहाँ पे सब लोग दशहरा जिस तरह हम लोग नॉर्थ ईस्ट में मनाते हैं उस तरह नहीं है ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे ज्वेलरी का भी छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे इसे भी लेडीज का जो भी है, नाक कान का, गला का, हेयर भी हम देखे लिए, हमको हम पसंद नहीं है। सभी अच्छा है लेकिन हमको और ये सभी हम लोग का ज़्यादा कल्चर में पहनता नहीं है, सूट बड़ा बड़ा सब। और यहाँ देखिए क्या केक है ना, क्या केक क्या का स्टॉल लगा था ना उधर जो बड़ा सा स्टेज, हम लोग चलिए इधर चलते हैं। ये बड़ा सा स्टेज लगा हुआ देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब कि प्रोग्राम डांस वगैरह सभी करते हैं जो आदमी की इसमें रुचि है। अच्छा बड़ा है ना, ये 10 बजे लगभग स्टार्ट होगा, लगभग 1 घंटा लगेगा प्रोग्राम। 10 बजे होगा ना, अगर अभी तक हम लोग भी देख लेते ना। नहीं अभी नहीं हो रहा, अभी मेला वही सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, मतलब ऐसा नहीं कुछ आर्टिस्ट मेला में नॉनवेज। इधर देखो इधर। और यहाँ देखिए मेकअप का जो सामान होता है उसका यहाँ पे छोटा सा स्टोर लगा हुआ है। लेडीज का जो होता है मेकअप का सामान और इधर अब देखिए क्या है देखने के लिए। इधर तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है ना, इधर में है ना उस साइड में, चलो उस साइड चलते हैं। यहाँ पे देखो पेंटिंग बना रहा है, मस्त पेंटिंग बना रहा है। और देखिए चलो इधर चलते हैं, ये एंट्रेंस गेट है ना, ये सभी रेडीमेड है, लाके खाली देखो यहाँ पे पेंटिंग ये हाथ से बनाया है। अभी अभी तुरंत बनाया, अभी हम लोग जब उधर से घुस रहे थे ना बना उसी समय, हाँ एक लड़की वहाँ कुर्सी पे बैठा था उसी समय बना रहा था। अभी हमको पूछ रहा था वो जो लड़का वहाँ पे खड़ा नहीं है इस साइड में, वही वो पूछ रहा था हमको कि सर बनवाना है क्या, तो हम बोले कितना देगा, तो बोला 500 रुपया लेंगे। ये वाला पेंटिंग से बनाता है, ये वाला लास्टिंग करेगा। वो पेंसिल वाला है ना एक्चुअली वो कुछ दिन के बाद उड़ जाएगा, वो
ऐसा है तो ये सेम टू सेम बना देगा ना, सेम टू सेम बना के देगा, उन लोग पूरा प्रैक्टिस है। अभी ये वाला जो बैठा ना कुर्सी पे तो आदमी इस साइड में वही तो आदमी अभी उसको ऑर्डर दिया है, वो लेडीज जो बैठी है हाँ वही ऑर्डर दिया है अभी। ये वाला 1200 रुपये बोला उसको, 1200। इधर वाला देखो बन गया है, वो ब्लू वाला एक तो इधर आओ ना, ब्लू वाला साइड में, इस साइड में देखते हैं, इधर इधर इस साइड। हाँ ये हाँ चलो चलते हैं उस साइड से देखते हैं घूम के उस साइड से। ये पोस्टर लगा है ना इसका यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये तो बन के रेडी हो रहा है ना, नहीं तो हो गया हाँ। अभी थोड़ा सा मतलब लगता है बंकी। क्या ले रही है कजल, इधर क्या ले रही है तुम? पायल दिखे नहीं कितना अच्छा है सभी पर ये सभी टिकाऊ होगा नहीं, क्या बोलती तो है भी लग रहा है हो या नहीं, ये ले लेते मेरा निशानी। उधर देखो तो उस साइड गोल्डन कलर क्या है, वो कौन वो ना वो सभी गला का है अच्छा है। ये वाला देखो ये जितना भी है ना ये सब पायल है, सबका सब पायल इस तरह सब गला। देखो इधर में देखो पेंटिंग हम लोग जो देख के गए थे उस टाइम में, कितना पूरा कर दिया है ना, सोचिए तो लगभग आधा बना ही चुका मतलब पूरा बना दिया। अभी एक राउंड करके उधर पानी में धोने के लिए गया था उसको, पता है पता नहीं कौन सा केमिकल यूज करता है, पानी में जाके धो के ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला के लेके आया, और अभी एक सूखा कपड़ा से उसको ऐसे पोछ रहे, हल्का हल्का उठा रहे पेंट को। ठीक है चलो इधर देख लेना हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं उधर वाला एरिया देखते हैं। चलिए देखो इधर का कितना मस्त है पेड़ सभी में जो लाइट लगाया है, बच्चा का खिलौना देखिए बहुत अच्छा अच्छा सा है ना, लेगी तो ले लो नुनू के लिए कुछ ले लेते हैं, दीदी ले लेंगे कौन सा लेगी, वो लाल वाला लेगी ये सभी लेगी देखते हैं, एक तो लाल वाला भी ले लेंगे और एक दीदी के लिए बॉल फुटबॉल ले लेंगे, फुटबॉल पैर से खेलने वाला इस साइड में, तब आ जाओ इधर, चलो इधर नहीं है इधर इस साइड में। तो देखिए दोस्तों हम लोग को जो भी लेना था ले लिए, मेला भी घूम लिया और बाहर आ चुके हैं, अभी बाहर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सीन दिख रहा है ना जी, गौ माता है ना, गौ माता ये पूरा परमानेंट है, अपने बछड़े को दूध पिला रही है हमेशा रहता है ना। तो यहाँ देखिए पेड़ में लाइट लगा दी, कितना सुंदर दिख रहा है, वाह ये जो फोटो बहुत अच्छा आएगा ना, मेरा एक कभी फोटो लिया ठीक ना। ये तुमको देख क्यों रहा है काजल, तुम्हारा मायके वाला कोई है क्या लग रहा ही होगा नहीं देख रहा, देखो नदी भी घूम घूम कर देख रहा है क्या कोई है नहीं ऐसे देख रहा, हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं दोस्तों तो इसीलिए घूम के देख रहे। तो आज का दोस्तों ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, और आपका एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको दोस्तों हमसे जुड़ी और वीडियो देखना और अच्छा लगता है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हम लोग मेला घूम लिए हैं, अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, बहुत इंजॉय किया।